नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स के बारे में, यानी कि डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन को आज की इस क्लास के अंदर अपने प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। तो अगर आप एक अकाउंटेंट हो, आप किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हो, लेकिन आप हमेशा डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट्स को लेकर उलझे रहते हो, यानी कि आप डेबिट और क्रेडिट को लेकर काफी सारा परेशान रहते हो, अभी हमें कौन से लेजर को कब डेबिट करना होता है, कब क्रेडिट करना होता है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको वो सारी बातें प्रैक्टिकली तरीके से बताने वाले हैं भी अगर आपके सामने कोई भी वाउचर आ जाए या कोई लाइन आपको लिखी हुई मिल जाए तो उसके अंदर आपको कैसे डिसीजन लेना होगा भी हमें इस लेजर को तो डेबिट करना है और इस वाउचर में से देख के कौन से लेजर को हमें क्रेडिट करना होगा। क्योंकि अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हो ना और आप किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग करोगे, तो उससे पहले आपको ये जो डेबिट और क्रेडिट की जो डेफिनेशन है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपकी अकाउंटिंग है जो अधूरी है। आप चाहे इसके लिए डेबिट और क्रेडिट को समझने से पहले आप चाहे टेली सॉफ्टवेयर सीख लेना, चाहे आप बीजी सॉफ्टवेयर सीख लेना, तो आपके सॉफ्टवेयर किसी भी काम के नहीं आएंगे जब तक आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे कि हमें कौन से लेजर को कब और किस कंडीशन के अंदर तो डेबिट करना होता है और किस कंडीशन के अंदर उसको हमें क्रेडिट करना होता है। तो बस इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये सारी कहानी भी पता चल जाएगी, क्योंकि हम इसके अंदर आपको सारी बातें वो प्रैक्टिकल और ईजी तरीके से समझाने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार जो मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस किसी भी टाइप का हो, चाहे उस बिजनेस के अंदर एक रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उस बिजनेस के अंदर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो, तो आपको छोटे बिजनेस के अंदर भी आपको ये तीन टाइप के अकाउंट्स है जो देखने को मिलेंगे, और बड़े बिजनेस के अंदर भी आपको ये तीन टाइप के अकाउंट्स है जो हमेशा देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला आ जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आ जाएगा रियल अकाउंट, और तीसरा आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अब बात आएगी भी इन तीन टाइप के अकाउंट्स के अंदर कौन कौन कवर होते हैं। अब अपने बात करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। आपके सामने दो ही ऑप्शन रहते हैं भी, आपको या तो कुछ चीज को डेबिट करना होता है और या किसी लेजर को आपको क्रेडिट करना होता है। लेकिन करना कब है ये जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको भी पता है डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन करना कब है इस बात को लेकर सबसे ज्यादा अकाउंटेंट है जो परेशान होते हैं। अब देखो, अगर अपने पर्सनल अकाउंट की बात करें तो यहां आपने लिखा हुआ है पाने वाला यानी कि रिसीवर, और यह रहेगा गिवर देने वाला। अब देखो, पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर कौन होता है? जो कंपनी है जिससे हम कोई गुड्स मतलब परचेज करते हैं, या हमारे जो कस्टमर जिनको हम सेल करते हैं, जिसे हम पैसे लेते हैं, कंपनियां जिससे हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उसके बदले में उनको पैसे देते हैं, या हमारे बैंक हो गए, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास कोई कस्टमर है राम सिंह, अब इसको हम गुड्स सेल करेंगे, इसे गुड्स परचेज भी कर सकते हैं, या कोई भी आ गया जैसे हमने कह दिया अभी ABC ट्रेडर्स, ABC ट्रेडिंग कंपनी, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी किसी भी टाइप की फर्म है, किसी भी टाइप की दुकान का नाम है, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर होगा। या उसके अलावा बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, SBI बैंक, HDFC बैंक, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कोई सोसाइटी है, किसी भी टाइप का जिनसे हम लेन देन करते हैं, वो हमारे हमेशा पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। अब यहाँ पर डेबिट आएगी, अब मतलब चाहे आपका कस्टमर है, चाहे आपकी वो कंपनी है, चाहे वो बैंक है, अब उसको हमें डेबिट भी करना, तो उसको कभी क्रेडिट भी करेंगे। तो डेबिट कब करेंगे? जब रिसीवर यानी कि जब वो हमारे से कुछ ना कुछ लेके जाएगा, चाहे वो हमारे से सामान लेके जाए, चाहे हमारे से वो पैसा लेके जाए, ठीक है, तब हम उसको डेबिट करते हैं। और क्रेडिट कब करेंगे? जब वो हमारे को कुछ दे के जाएगा, चाहे वो हमारे को कुछ सामान दे रहा है, चाहे वो हमारे को पैसा दे रहा है, तब उस कंडीशन के अंदर अपने उस पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट भी करते हैं। आगे जब अपने प्रैक्टिकली समझेंगे ना इन बातों को इस तरीके से, तब आपको इसकी सारी कहानी अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। हम इसको इजी वे के अंदर भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बाद थोड़ा सा तीनों अकाउंट्स के ऊपर हम एक बार नजर मार लेते हैं। अब उसके बाद बात आती है रियल अकाउंट की। अब रियल अकाउंट के अंदर देखो परिभाषा क्या लिखी हुई है भी, जो आता है उसको अपने डेबिट करते हैं। अब आपके बिजनेस में आएगा क्या? या तो सामान आएगा यानी कि गुड्स आएगा, या आपके पास में कैश आएगा। अब गुड्स आपके पास में ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकता है, वो नॉन ट्रेडिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। और आपका रियल अकाउंट क्रेडिट कब होगा? जो जाता है। अब बिजनेस ये या तो आएगा या बिजनेस से जाएगा।
आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। अब जाएगा क्या, या तो आपके बिजनेस से कोई सामान जाएगा या आपके बिजनेस से पैसा जाएगा। अब तीसरा आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। अब इसके अंदर देखो कवर कौन होते हैं, आपके बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, चाहे तो वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ठीक है ना, वो आपके हमेशा डेबिट होंगे। और आपके बिजनेस की जितनी भी इनकम के लेजर हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारी डायरेक्ट इनकम आ रही हो चाहे वो इनडायरेक्ट इनकम आ रही हो, तो वो लेजर हमारा इनकम का जो लेजर है वो हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। जैसा कि आपने किसी से इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, कोई कमीशन आपने रिसीव कर लिया, जो आपको मिल रहा है यानी कि उससे आपकी बिजनेस की इनकम हो रही है, आपकी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो लेजर हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर आपका ऐसा कोई खर्चा या कोई ऐसा नुकसान जिससे कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो हमेशा डेबिट पे जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तब इसकी सारी स्टोरी आपके सामने क्लियर हो जाएगी। अब उसके लिए थोड़ा सा हमने इजी वे के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, भी जब पैसा या सामान हमारे फर्म या कि हमारी दुकान से जाते हैं, हम उस अकाउंट को हमेशा क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे। अब देखो सामान का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट गुड्स जो हमारा बिजनेस है उसी से रिलेटेड, ठीक है। और पैसे का मतलब हो गया कैश। अब ये पैसा है, कैश है, अब ये भी एक तरीके का अकाउंट है, और जो गुड्स है ये भी एक तरीके का अकाउंट है। अगर ये दोनों, अब दोनों एक साथ तो आ नहीं सकेंगे, कैसा नहीं हो सकता कि हम किसी से सामान भी खरीदेंगे और वो हमारे को पैसा भी देगा साथ में, ऐसा नहीं होगा। सामान आएगा तो पैसा जाएगा, सामान उधार खरीदा है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारे को सामान दे रहा है उसका हम अपनी क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ लिखा हुआ है भी जब पैसा या सामान हमारे व्यापार यानी कि हमारे बिजनेस में आता है तो अपने उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, या तो पैसा आएगा या सामान आएगा तो अपने इनको डेबिट करेंगे। तो अब किसी न किसी को फिर क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तो क्रेडिट अपने किसको करेंगे, ये उधार सामान देने वाले दुकानदार के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है, सामान आप किस कंडीशन में खरीदोगे, दो कंडीशन में खरीदोगे। मान लीजिए आपने कोई गुड्स है जो परचेज किए हैं, कोई भी सामान आपने खरीदा है, अब आपकी परचेज क्या होगी, यह तो दो ही कंडीशन है भी, यह तो आपने इसको उधार में खरीदा होगा या आपने इसको नगद में खरीदा होगा, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। नगद में खरीदा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको पैसा देना पड़ेगा। उधार के अंदर क्या होगा, पैसा तो इसका भी देना पड़ेगा, लेकिन एक बार अपने जिस कंपनी से खरीदा है या जिस दुकानदार को अपने खरीदा है उसके अकाउंट के अंदर अपने क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे भी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस दुकानदार को इसका पैसा सामान का भी देना है। और नगद खरीद लिया इसका मतलब पैसा आपकी दुकान से ऑन द स्पॉट ही निकल चुका है, सामान आया पैसा गया, या सामान आया लेकिन पैसा भी दिया नहीं है, ठीक है। तभी ये चीज लिखी भी है भी उधार सामान देने वाले दुकानदार के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, भी सामान आ रहा है तो सामान का अकाउंट डेबिट होगा तो दुकानदार का अकाउंट है जो क्रेडिट होगा उधार की कंडीशन में। इसी तरीके से उधार सामान का पैसा देने वाले कस्टमर के अकाउंट को भी अपने क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपको कोई पैसा आपका कोई कस्टमर दे के जा रहा है जिसको आपने सामान बेचा था, ठीक है, अब वो भी अगर आपको पैसा दे के जाएगा तो आप उसके अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे। सेकेंड जो पॉइंट है ये इसका फर्स्ट पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है भी जब पैसा या सामान हमारे व्यापार से जाता है तो अपने उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, भी अगर आपकी बिजनेस के अंदर पैसा या सामान आता है तो ये पैसा और सामान आपकी बिजनेस से जाएगा भी। तो सामान कब जाता है, जब अपने किसी को सेल करते हैं। पैसा कब जाता है, भी पैसा भी आपके पास अलग अलग कंडीशन के अंदर हो सकता है, भी मान लीजिए आपने कोई कैश परचेज करी हो या आपने गुड्स जो उधार में खरीदा हुआ था दुकानदार से उसकी आपने बाद में पेमेंट करी हो, या आपने बिजनेस के अंदर कोई खर्चे करे हो, तो आपकी बिजनेस से पैसा निकलता है, ठीक है। सामान कब निकलता है, जब आप किसी को सेल करोगे या आप किसी कंपनी को गुड्स जो रिटर्न करोगे उस कंडीशन के अंदर ये सामान जो आपकी बिजनेस से जाएगा। उसके बाद में अब क्रेडिट तो हो जाएगा भी, सामान अगर पैसा दुकान से अगर निकलता है आपकी बिजनेस से निकलेगा तो अकाउंट को अपने क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन डेबिट किसको करेंगे, भी अगर आपने मान लीजिए सामान किसी को उधार बेचा हुआ है तो उधार की कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे, उधार सामान लेने वाले कस्टमर के अकाउंट को अपने क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे। या आप मतलब पैसा लेने वाले दुकानदार के अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। दुकानदार पैसा कब लेगा, मान लीजिए आपने सामान यहाँ पर उधार खरीदा हुआ था, इसका पैसा भी तो आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आप इसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो या जिस दिन गुड्स परचेज किया था उसके बाद आप पेमेंट कर रहे हो, तब आपको उस दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर अपने उस दुकानदार के अकाउंट के अंदर यानी कि जो भी कंपनी होगी, चाहे वो दुकान छोटी है कि बड़ी है, उसके अकाउंट को अपने डेबिट करें। ये सारे एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली तब समझ में आएंगे जब इसके अपने एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो गुड्स परचेज फ्रॉम ABC एंटरप्राइजेस
9,980 रुपये का, यानी कि हमने एबीसी इंटरप्राइजेस से गुड्स परचेज किया हुआ है। ठीक है, ये गुड्स परचेज किसने किए? हमने खुद ने परचेज किए, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर गुड्स जो आ रहे हैं। तो अब यहां देखो लाइन लिखा हुआ है वे गुड्स परचेज, यानी कि एक बात तो थे हमने गुड्स परचेज किए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गुड्स है ये हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है या जा रहा है? आ रहे हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर हमारे इन हो रहे हैं। अब इन होगा तो क्या लिखा होगा, आप चाहे यहां देख लो भी, जो आपके बिजनेस के अंदर आता है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां इस कंडीशन के अंदर अपने क्या करेंगे, गुड्स को अपने क्या करने वाले हैं, गुड्स परचेज के अकाउंट को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब यहां पर किसी न किसी को क्रेडिट भी करना पड़ेगा, तो क्रेडिट किसको करेंगे, जो हमारे को सामान दे रहा है देने वाले अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। और यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि उधार सामान देने वाले दुकानदार के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, या लिखा है उधार सामान देने वाले दुकानदार के अकाउंट को अपने क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। तो यहां हमने सामान खरीदा किसे, एबीसी एंटर, यानी कि हमारे को सामान उधार दे कौन रहे, एबीसी एंटरप्राइजेस। तो अपने एबीसी एंटरप्राइजेस के अकाउंट के अंदर 9,980 रुपये क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने का मतलब क्या बन गया, ये 9,980 रुपये इस एबीसी इंटरप्राइजेस की कंपनी को अभी पेमेंट करनी है। पेमेंट करनी है, इसका मतलब क्या बन गया, ये सामान हमने उधार में खरीदा हुआ है। तो पता कैसे चलेगा भी ये उधार है या नकद है, क्योंकि इस लाइन के अंदर हमने कोई केस वर्ड यूज नहीं किया, ये नहीं लिखा केस है गुड्स है जो हमने केस में परचेज किया। अगर आपके यहाँ पे कोई केस का वर्ड यूज नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आपने नगद नहीं खरीदा है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी एंट्री है जो उधार की ही बनी जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल अपने देखते हैं, वी गुड सोल्ड टू राम सिंह, यानी कि हमने राम सिंह को सामान है जो बेचा है। अब बेचा इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी क्या हो रही है, ये सेल हो रही है। तो अब ये जो गुड्स है यानी कि जो सामान है जो प्रोडक्ट है वो हमारे बिजनेस से यानी कि हमारी दुकान से जा रहा है, हमारी शॉप से जा रहा है, हमारी कंपनी से जा रहा है। तो रूल क्या कहते हैं भी, अगर आपके सामान बिजनेस के अंदर आता तो आपने डेबिट किया था, और या अब जो जा रहा है, जो जा रहा है, जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पर भी हमने ये लिखा हुआ है भी, जब सामान हमारे बिजनेस से जाता है तो अपने उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमने गुड्स को करेंगे सेल के अकाउंट को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करेंगे। तो अब गुड्स ले कौन रहा है हमारे से, कस्टमर कौन है, राम सिंह, राम सिंह को ही बेचा हमने। तो अब ये राम सिंह किस लेजर के अंदर कवर हो रहा है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। अभी हमने देखा था कि राम सिंह हमारा पर्सनल अकाउंट है, और यहाँ पर जो एबीसी इंटरप्राइजेज है वो भी पर्सनल अकाउंट है। यहाँ एबीसी इंटरप्राइज ने हमारे को सामान दिया था, और यहाँ राम सिंह हमारे से ले रहा है। अगर ले रहा है तो क्या होगा, देखो पाने वाला यानी कि जो हमारे से ले रहे हैं उसको अपने डेबिट करते हैं, और जो हमारे को दे रहे हैं उसको अपने क्रेडिट करते हैं। अब राम सिंह हमारे से गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, अपने राम सिंह के अकाउंट को डेबिट करेंगे 580 रुपये की अमाउंट से। इसका मतलब क्या बन गया, ये 580 रुपये राम सिंह से हमने अभी लेने हैं, लेने हैं। इसका मतलब क्या बन गया, ये 580 रुपये का सामान हमने राम सिंह को उधार के अंदर सेल किया हुआ है। अब यहाँ पर उधार है या नगद है इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने किसी टाइप का कोई नगद शब्द का वर्ड है जो यूज नहीं किया हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने देखते हैं, दी कैश पेमेंट टू एबीसी इंटरप्राइजेस। कैश पेमेंट यानी कि पेमेंट हम कर रहे हैं किसको, कर रहे हैं एबीसी इंटरप्राइजेस को। अब इसका मतलब क्या बन गया, अब यहाँ पर भी देखो कैश का लेजर है जो आपके सामने आ रहा है। अब ये कैश किस टाइप का लेजर है, रियल अकाउंट का पार्ट है। अब ये रियल अकाउंट का पार्ट है, तो अब यहाँ देखो कि कैश पेमेंट हो रही है। अब पेमेंट की कंडीशन के अंदर पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, तो जब अपने किसी को पेमेंट करते हैं तो पैसा हमारे बिजनेस से निकलता है, यानी कि पैसा आउट हो रहा है। और अगर पैसा निकलेगा तो क्या हो रहा है, या अपने देख सकते हैं इस रूल के अंदर भी, जो जाता है, अब यहाँ क्या पैसा जा रहा है, सामान तो जा नहीं रहा, हमने पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रही है, तो अपने क्या करेंगे, कैश के अकाउंट को क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। तो फिर क्रेडिट तो कर दिया, कोई ना कोई डेबिट भी होगा, तो डेबिट अपने किसको कर रहे हैं, एबीसी इंटरप्राइज, क्योंकि पैसा बिजनेस से जा रहा है। तो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन ले रहे हैं, एबीसी इंटरप्राइजेस ले रहे हैं। तो एबीसी इंटरप्राइजेस कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट की कहानी क्या कह रही थी भी, जो अगर हमारे को कुछ दे के जाएगा तो अपने उसको क्रेडिट करते हैं, और हमारे से कुछ लेके जाएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। अब इस कंडीशन के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, एबीसी इंटरप्राइजेस को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि अब एबीसी इंटरप्राइजेस हमारे से कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। और रूल ये कहता है भी, जो पर्सनल अकाउंट
हमारे से लेके जा रहा है, जो हमारे से रिसीवर है, हमारे से कुछ ना कुछ पा रहा है, तो अपने उस अकाउंट को डेबिट करते हैं। और इस एग्जाम्पल के अंदर भी यही चीज लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो, इसके अंदर भी पैसा लेने वाले दुकानदार के अकाउंट को अपने डेबिट करते हैं। ठीक है, अब ये दुकानदार हमारे से पैसा ले रहे हैं, तो अब ये 3,000 रुपए की जो अमाउंट है ये अपने क्या करने वाले हैं, एबीसी एंटरप्राइजेस के अकाउंट के अंदर अपने डेबिट करेंगे। जब इसने हमारे को सामान दिया था 9,980 रुपए का, तो हमने क्या किया, 9,980 रुपए इसके खाते में अपनों ने जमा कर दिए। हमने ये बात बोली थी, ये 9,980 रुपए की जो पेमेंट है वो एबीसी एंटरप्राइजेस को भी देनी है, और जब अपनों ने 3,000 रुपए दे दिया तो 3,000 रुपए इसके अकाउंट के अंदर अपने डेबिट भी करेंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि डेबिट का मतलब क्या बन गया, अब इसकी जो पेमेंट है ये हमने 9,980 रुपए के बदले में 3,000 रुपए की पेमेंट कर दी। अब कल को अगर अपने इसका बैलेंस देखेंगे तो क्या रह जाएगा, 6,980 रुपए का इसका बैलेंस रह जाएगा, यानी कि 6,980 रुपए की पेमेंट अभी भी इसको करनी है, तो ये इसके अकाउंट के अंदर इसका बैलेंस है जो शो होता रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने देखते हैं, बी केस रिसीव्ड फ्रॉम राम सिंह। केस रिसीव्ड यानी कि अब केस हमें रिसीव हो रहा है, अब केस रिसीव हो रहा है तो पैसा हमारे पास आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, यानी कि ये अभी इस कंडीशन के अंदर पैसा हमारे बिजनेस के अंदर जो इन हो रहा है। अब यहाँ पर अब केस किस टाइप का अकाउंट है, यहाँ पे हो रहा है रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट की परिभाषा क्या कहती है, भी अगर जो बिजनेस के अंदर आता है तो अपने क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, कि पैसा हमारे पास आ रहा है तो अपने क्या करेंगे, केस के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और पैसा आ रहा है तो आ कहाँ से रहा है, राम सिंह से आ रहा है, तो राम सिंह के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। और रूल यहाँ पे क्या कह रहा था, भी जो हमारे को कुछ ना कुछ दे के जा रहा है तो अपने उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, एक अकाउंट का आपका डेबिट होता है तो एक आपका डेबिट भी होता है, तो राम सिंह के अकाउंट को अपनों ने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, कितनी अमाउंट से, 200 रुपये। यहाँ जब हम लोगों ने इसको 580 रुपये का जब सामान बेचा था, हमने क्या बोला था, भी ये 580 रुपये हमने राम सिंह से लेने, इनके राम सिंह के अकाउंट के अंदर हमने इसको डेबिट कर दिया। अब यहाँ पर राम सिंह हमारे को दे गया तो हमने राम सिंह के अकाउंट को अपनों ने क्रेडिट भी कर दिया 200 रुपये से। अब इसका बैलेंस कितना रह जाएगा, भी 580 रुपये का हमने इसको गुड सेल किया, बदले में 200 रुपये आ गए। कल को अगर इसका बैलेंस अपने देखेंगे तो 380 रुपये अभी बैलेंस इसका डेबिट साइड में आ रहा है। डेबिट साइड का मतलब क्या होगा, कि 380 रुपये अभी भी हमें राम सिंह से लेने हैं। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अब अपने थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल अपने लिखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा इसकी कहानी की। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ वर्डिंग लिखते हैं, भी एबीसी ट्रेडर से 1,000 रुपये का हमने सामान खरीदा है, ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया। ठीक है, अब एबीसी ट्रेडर से 1,000 रुपये का सामान हमने खरीदा है। अब ये सामान खरीदा, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी तरफ से क्या हो रही है, ये परचेज हो रही है, यानी कि सामान अब क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी दुकान के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर सामान जो आ रहा है, यानी कि इन हो रहा है। अब इन हो रहा है तो अभी एग्जाम्पल हमने देखा था भी जो आता है, हमारे रियल अकाउंट की परिभाषा क्या करिए, भी जो अगर कैश या गुड्स आएगा तो हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान आ रहा है तो सामान खाते को अपने क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में सामान तो आ गया, लेकिन सामान ने दिया किसने दिया, हमारे को एबीसी ट्रेडर्स ने, यानी कि अब ये कौन हो गया, देने वाला। ठीक है, और रूल क्या कह रहा है, भी जो देने वाला होता है, यानी कि जो गिवर्स होता है पर्सनल अकाउंट, उसके खाते को अपने क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ अपने क्या करने वाले हैं, एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। मतलब क्या बन गया, यानी कि हमने 1,000 रुपये का सामान खरीदा, हमारे पास में 1,000 रुपये का सामान आ गया, आया कहाँ से है, एबीसी ट्रेडर्स से, एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट के अंदर अपनों ने ये 1,000 रुपये की जो अमाउंट है, जो 1,000 रुपये का जो भी प्रोडक्ट हमने परचेज की है, अब इसका मतलब कहेंगे कि हमने एबीसी ट्रेडर्स को 1,000 रुपये की पेमेंट अभी करनी है, करनी है इसका मतलब उधार खरीदा हुआ। अगर इस लाइन को अपने इस तरीके से लिखते हैं, एबीसी ट्रेडर्स को, एबीसी ट्रेडर्स से 1,000 रुपये का नगद सामान खरीदा, अपनों ने वर्डिंग ये लिखा, एबीसी ट्रेडर्स से 1,000 रुपये का नगद सामान खरीदा। अब सामान खरीदा इसका मतलब जाहिर सी बात है हमने परचेज करी है,
और परचेज की कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, सामान हमारे पास आ रहा है, यानी कि हमारे बिजनेस में इन हो रहा है। तो रूल क्या कह रहा है इन होने का, जो आता है डेबिट का, तो गुड्स के खाते को अपने क्या करने वाले हैं, डेबिट। और यहां हमने लिखा है नगद खरीदा है, यानी कि यहां पर अब कैश का अकाउंट का भी जिक्र हो रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, पैसा बिजनेस से जा रहा है। तो रूल क्या कहता है भी, अगर पैसा जा रहा है तो अपने अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर अपने कैश के अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। अब यहां पर एबीसी ट्रेडर्स का कोई भी रोल नहीं रहा, क्योंकि जब हमने इसको पेमेंट कैश कर दिया, सामान ले लिया, अब इसको इसकी पेमेंट जब दोबारा नहीं करेंगे। और यहां हमने एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया था कि इसको अभी 1000 रुपए की जो पेमेंट है वो अभी करनी है, ये सामान उधार में खरीदा हुआ है, और जब नगद खरीद लिया तो इसकी पेमेंट हमें करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए इस एबीसी की पेमेंट अपने बाद में देते हैं, मान लीजिए 500 रुपए की हमने इसको पेमेंट कर दी, तो हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से इसकी वर्डिंग क्या बनेगी, एबीसी ट्रेडर्स को 1000 रुपए का नगद भुगतान किया, यानी कि हमारी तरफ से क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है। अब जो पेमेंट हो रही है तो अब पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा हमारे पॉकेट से जा रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है, यानी कि कैश यहाँ पे क्या हो रही है, आउट हो रही है। रूल क्या कहता है कि आप यहाँ पर भी देख लो, पैसा या सामान अगर हमारे व्यापार से जाता है तो अपने उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी लिखी हुई है भी, जो जाता है उस अकाउंट को अपने क्रेडिट करें। सिर्फ आपको ये पहचान करनी है पर्सनल अकाउंट कौन सा हो रहा है, रियल अकाउंट कौन सा हो रहा है, और नॉमिनल अकाउंट है जो कौन सा यूज हो रहा है। अब यहाँ पर एक तो हमारा नगद यानी कि रियल अकाउंट यूज हो रहा है, और ये हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अब उसके बाद में एबीसी ट्रेडर्स, अब ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, अब पर्सनल अकाउंट हमने इसको पेमेंट करी है, यानी कि अब ये हमारे से 1000 रुपये लेके जा रहा है। तो रूल क्या कह रहा है भी, जो पाने वाला है, जो हमारे से कुछ ना कुछ लेके जा रहा है, तो अपने उस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब ऐसे स्थिति के अंदर अपने क्या करने वाले हैं, एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। अब यहाँ देखो, अपने एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया था, यहाँ अपने एबीसी ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों लाइनों के अंदर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर तो क्या रहा, सामान हमने खरीदा था, यानी कि इस पहली लाइन के अंदर एबीसी वाले ट्रेडर्स वाले ने हमारे को कुछ ना कुछ दिया था, और यहाँ अपने उसको पेमेंट करे, तो अब हम यहाँ पर एबीसी ट्रेडर को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। अगर उसने हमारे को दिया था तो अभी यहाँ पर देने वाला बन गया। अब एबीसी ट्रेडर्स हमारे से 1000 रुपए की पेमेंट लेके जा रहे हैं, तो अब ये क्या बन गया, पाने वाला, यानी कि ये बन गया रिसीवर, ये रिसीवर बन गया पाने वाला, पाने वाले को अपने क्या करते हैं, डेबिट कर। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल अपने समझते हैं इसको, आपको बिल्कुल ईजी वे के अंदर हम अपने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। अब उसी तरीके से मान लीजिए एक इंटर्न ने ये लिखा था भी, एबीसी ट्रेडर्स को 500 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, सामान बेचा। अब यहाँ पर सामान किस तरीके का अकाउंट हो रहा है, रियल अकाउंट, और एबीसी किस टाइप का अकाउंट बन रहा है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब रियल बेचा, इसका मतलब सामान बिजनेस से जा रहा है, आउट हो रहा है, और आउट होने की कंडीशन में क्या है, रूल क्या कहते हैं भी, जो सामान आउट हो रहा है यानी कि जो जा रहा है अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सामान यहाँ से जा रहा है सामान खाते को क्रेडिट कर दो। लेके कौन जा रहा है हमारे से, एबीसी ट्रेडर्स, एबीसी ट्रेडर्स के खाते के अंदर डेबिट करो, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट की परिभाषा क्या कहती है भी, पाने वाला, यानी कि जो हमारे से कुछ ना कुछ लेके जा रहा है उसके अकाउंट को आप डेबिट कर दो। अगर अपने इस लाइन को इस तरीके से लिखते हैं भी, एबीसी ट्रेडर्स को 500 रुपए का नगद सामान बेचा, दोनों लाइनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहां हमने लिखा था भी एबीसी ट्रेडर्स को 500 रुपए का सामान बेचा, यहां आपने लिख रहे हैं एबीसी ट्रेडर्स को 500 रुपए का नगद सामान बेचा। अब नगद सामान बेचा तो सामान यहां पर भी सेल हो रहे हैं। अब यहां पर देखो तीनों टाइप के अकाउंट हो रहे हैं, एबीसी ट्रेडर्स किस टाइप का, पर्सनल, कैश अकाउंट किस टाइप का है, रियल का, सामान किस टाइप का है, रियल। जहां पर दो रियल अकाउंट अगर आपको इकट्ठे दिख जाएंगे, वहां पर उस कंडीशन के अंदर पर्सनल अकाउंट का कोई रोल नहीं हुआ, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि अब देखो सामान जा रहा है, सामान खाता क्रेडिट हो जाएगा गुड्स आपका, नगद बेचा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास पैसा आ भी रहा है, तो अपने क्या करेंगे, कैश के अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर एबीसी वाले का कोई रोल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसने हमारे से
सामान खरीदा और पैसे साथ के साथ दे दिए। और यहाँ पर क्या था, इसने 500 रुपए का सामान तो खरीद लिया लेकिन ये पैसे दे के नहीं गया था, उधार खरीदा था। तो हमने क्या किया, एबीसी ट्रेडर्स का अकाउंट बढ़ाया और ये 500 रुपए उसके अकाउंट के अंदर हमने डेबिट कर दिए, यानी कि ये 500 रुपए यहाँ पर इसे लेना था। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल अपने समझते हैं। अब अपने चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे, यानी कि जो खर्चों की एंट्री है और जो इनकम की एंट्री है उसको अपने किस तरीके से देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कहा, ये 100 रुपए का नगद ऑफिस खर्चा हमने किया है, ठीक है। अब ऑफिस का खर्चा आपका कुछ भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट हो सकता है, कोई लंच हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई आपका खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सपेंसेस खर्चा किए, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है ये खर्चा है आपका, ठीक है ना। और ये खर्चा हमेशा किस अकाउंट के अंदर होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर होता है। और यहाँ पर नगद है, नगद किस टाइप का अकाउंट आपका, रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। अब यहाँ पर देखो भी रियल अकाउंट है, पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, हमने खर्चा किया तो जाहिर सी बात है भी पैसा हमारे बिजनेस से निकलता है यानी कि आउट होता है। तो अगर आउट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है भी जो जाता है, अगर पैसा जा रहा है तो अकाउंट को क्रेडिट करो। यहाँ पर भी हमने ये लिखा हुआ है भी पैसा अगर आपके व्यापार से जाता है तो अकाउंट को क्रेडिट करो। पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट कर दिया। अब आपका खर्चा है, पेमेंट जा कर रही है, हमने किसी को, कंपनी को या किसी कस्टमर को तो भुगतान कर नहीं रही, यहाँ पर हमने खर्चा किया नगद का। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने क्या करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस के अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। रूल क्या कहता है, भी सभी टाइप के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके डेबिट होंगे। इसी तरीके से अपने एक एग्जांपल और सकते हैं, 100 रुपए का नगद ब्याज प्राप्त हुआ, 100 रुपए का नगद के रूप के अंदर ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि अब हमारी कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो अब इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपकी कंपनी की इनकम बढ़ रही है। यहां पर तो क्या रहा था, आपकी कंपनी की इनकम घट रही है, मतलब 100 रुपए से, और 100 रुपए आपको ब्याज मिल गया तो 100 रुपए से आपकी कंपनी की जो इनकम इंक्रीज हो रही है। और यहां पर क्या हो रहा है, नगद हो रहा है। अब नगद किस टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट। और आपका जो इंटरेस्ट है यानी कि आपकी ये इनकम बन गई, और इनकम किस अकाउंट के अंदर कवर होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अब आपकी कंपनी के लिए पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, और पैसा अगर आपके बिजनेस में आता है तो हमेशा डेबिट होता है, और आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव के अकाउंट को अपने क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो ब्याज है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो आपकी कंपनी के लिए क्या बन रही है, इनकम बन रही है। और यहाँ पर जो ऑफिस एक्सपेंसेस हमने किया था वो क्या था, आपकी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा था, यानी कि यहाँ पर तो खर्चा था, आपकी बिजनेस की इनकम कम हो रही थी, या आपकी बिजनेस की इनकम जो बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, अगर आपकी इनकम कम होगी तो वो आपका डेबिट होगा। आई होप कि आप इन सभी एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझोगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम आपको वाउचर के थ्रू डेबिट और क्रेडिट है जो प्रैक्टिकली तरीके से समझना सिखाएंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, लेकिन सेकंड पार्ट को आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।